अंजलि अंजलि अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? अपसेट क्यों? प्लीज विवान, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई सोचे कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। कामना मासी ने सुनाया तुम्हें? पता चला मुझे। अंजलि, कौन क्या सोचता है इससे मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आई रियली लाइक यू। और अंजलि, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही लाइक करती हो जितना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और अब हम फ्रेंड्स नहीं है तो कौन क्या सोचता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अंजलि, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। और मैंने तुम्हें कभी भी आंसर देने के लिए फोर्स नहीं किया। मुझे पता है जब तुम रेडी होगी तब तुम मुझे अपना आंसर दे दोगी। आई डोंट नो विवान, मुझे बहुत डर लगता है। किस चीज से डर लगता है? विवान, तुम बहुत अमीर हो, फेमस हो, बहुत सारे क्लब चलाते हो, मैंने देखा है तुम्हें सोशल मीडिया पे। हाँ तो सोशल मीडिया से क्या अंजलि? विवान, आई डोंट वॉन्ट कि कोई मेरा गलत फायदा उठाए या मुझे धोखा दे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अंजलि अंजलि अंजलि, आई रियली प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारा गलत फायदा कभी नहीं उठाऊंगा और तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? हिंदू पक्षी, भगवान और कितनी परीक्षा लेगा तेरी बेटा। क्या क्या हालत बना दी है? हालत तो सब ठीक है बॉब जी, ये तो छोटे मोटे रोड ब्लॉक्स है जो इंसान को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। बचपन से ही ऐसी रही है तू, कभी भी अपने दुख को सामने नहीं आने देती। I'm so sorry बेटा, इतना कुछ झेलना पड़ा तुझे। बॉब जी, अब आ क्यों खड़े हो? यहाँ हाँ। जी, आप ही ने सिखाया ना, सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते रहो, चाहे आप उस लड़ाई में अकेले क्यों ना खड़े हो। और ये लड़ाई तो हमारी सून के लिए। आप देखना, जब सून हमारे पास वापस आ जाएगी ना, तब ये चैलेंजेस कोई मैटर नहीं करेंगे। बहुत गर्व है तुझ पर बेटा, तू ना अपनी उम्र से ना बहुत ज्यादा समझदार है। और ऐसे स्ट्रांग बने रहना। ये स्ट्रांग मुझे अपनी बेटी नहीं बनाया बॉब जी, उसने मुझे सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाया। इस बात पे ना मैं पूरा सहमत हूँ, उसने सिर्फ तुम्हें नहीं हम सबको भी बेहतर बनाया बेटा। आपको पता है बॉब जी, सून ने मुझे इस हालत में देखा ना तो कह रही थी कि अगर मैं आपके साथ होती तो वो मुझे प्रोटेक्ट करती, मुझे कभी चोट लगने ही नहीं देती। बॉब जी, इतने दिनों बाद वो मेरे इतने पास बैठी थी। बॉब जी, वो फीलिंग ही कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि ये वक्त यही थम जाए। जब जब मैं सून के पास आती हूँ ना तो मुझे जज के जजमेंट याद आ जाते हैं, कहीं मैं अपनी बेटी को किसी प्रॉब्लम में ना डालूं या मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खोना दूं। डर सा लगा रहता है बॉब जी, और ये एहसास एक माँ के लिए सबसे बुरा होता है। बॉब जी, खुद को इतना कमजोर महसूस करती हूँ। नहीं 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 बेटा, I'm so sorry, मुझे आपको टेंशन नहीं देना था, वो तो आप मुझे बहुत दिनों बाद मिले हो इसलिए दिल की बाहर निकल आ गई। बॉब जी, हुआ तो मेरे सामने नहीं करेगी बात तो किसके सामने करेगी दिल की बात? और बेटा, दिल की बात होती है ना वो बाहर आ जाए तो अच्छी बात है। क्या इंसान हल्का महसूस करने लगता है, दर्द कम हो जाता है। अच्छा दुग्गल अंकल कैसे हैं? मुझे अंजू ने पता आप पुणे गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बस बेटा, कुछ देर पहले मैं पुणे से वापस आया, तुम लोगों की बड़ी याद आ रही थी तो फटाफट से पुलाव बनाया। जून, रितेश, बाकी सब लोगों के लिए भी है इस डब्बे में। आप भी ना बॉब जी, थोड़ा आराम कर लेते, आते ही आपको भागम दौड़ी करने की क्या जरूरत थी? वो सब छोड़ बेटा, तू ये बता
तू गिरी कैसे? पॉपजी, व्हाट अ सरप्राइज। रितेश बेटा, कैसे बेटा? बढ़िया, चलिए आप आ गए हैं, खाना साथ खाएंगे। अरे बेटा, खाना तो मैं लाया हूँ, बुलाओ। वैसे भी ना मैडम घर पर इंतजार कर रही होगी, उसके साथ खाना है। हिंदू से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, मिल लिए, बात हो गई, दिल को तसल्ली मिल गई। चलो बेटा। बेटा एक बात पूछूं, बुरा मत मानना प्लीज। वो दुखी मौत चाह रही थी अगर इंदु कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाए साथ में रहने। जी, मैं आपकी और मौज की चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन जून को यहाँ छोड़कर मैं वहां नहीं आ पाऊंगी। मेरा मन नहीं लगेगा वहां, और जून को लेके हमेशा मन में घबराहट रहेगी। सॉरी बॉब जी, मैं मौज से बात कर लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, समझ सकता हूँ। सुखे बॉब जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार मैं ये समीर और कादंबरी के मैटर से निपट लूं, उसके बाद इंदु और जून आप जब तक चाहेंगे आपके घर आके रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान रखना बेटा। आप भी। दवाई खाई? सुबह की खा ली थी, शाम को भी खानी थी क्या? लगता है सर पे सच में गहरी चोट लगी है, दिमाग काम करना ही बंद कर गया। दिन में दो बार खानी है, सुबह और शाम, खाना खाने के बाद। खाना खाया? चलो इतना तो याद है कम से कम। पॉपजी का ही खाना खाते हैं, बढ़िया सा पुलाव। हाँ जया, मेरे रूम में दो प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, पानी, ग्लास सब भेजो। विवेक, समीर से जीत पाना बहुत मुश्किल है। डोंट वरी आशा जी, वो सिर्फ दो हैं, हम इतने सारे। पर विवेक, हम करेंगे भी क्या? ये रही कस्टडी की फाइल, इसमें रितेश पे लगे सारे इल्जाम हैं। हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, और हर एक इल्जाम को गलत और झूठा साबित करने के लिए हमें किसके से मिलना है वो हम डिसाइड करते हैं। सो पहला इल्जाम है रितेश का एंगर इशू। वहाँ किसी डॉक्टर का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर मूर्ति। डॉक्टर मूर्ति। और दूसरा इल्जाम है उसने शिवांगी का अबॉर्शन करवाया था। कमाल है ना विवेक, लोग पैसों के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं। पैसा चीज ही ऐसी आशा जी, इंसान अपना जमीर तो क्या खुद को बेच देता है। पर आप टेंशन मत लीजिए, रितेश पे लगे सारे इल्जाम हम गलत साबित करेंगे। मुझे पता है हमें क्या करना है। दवाई खा लो, दूसरी डोज का टाइम हो गया। क्या हुआ रितेश, तुम्हें मैं जोकर लग रही हूँ? हंस क्यों रहे हो तुम? जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो हमारी टीचर हमें एक गेम खिलाया करती थी, जहाँ सबकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी, हाथ में एक बिंदी दी जाती थी, और फिर ऐसे गोल घुमा देते थे हर स्टूडेंट को, और हमें वो बिंदी एक जोकर की नाक पे लगानी होती थी। और तुम्हें पता है, मैं हमेशा वो बिंदी जोकर के माथे पे लगा देता था। तब टीचर मुझे कहती थी, रितेश अगर तुम इस तरह जोकर के माथे पे बिंदी लगाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी शादी एक जोकर से हो जाएगी। तब मुझे नहीं पता था कि टीचर के अंदर एक ज्योतिष बैठा है और उनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। गुस्से के साथ साथ ये पागलपन के दौरे भी आते तुम्हें? क्या पागलों जैसे बातें कर रहे हो? दिखाता हूँ। बिंदी, इसकी जगह नाक पे नहीं, यहाँ है, समझी? जोकर। दवाई खा लेना इसके लिए। रितेश,